खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो मोदी मैजिक चल चुका है। केदारनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तपस्या के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के बाद, और लगता है जीत का आशीर्वाद बाबा केदार ने दे ही दिया है। 350 542 में से ये आंकड़ा एनडीए का, और अपने दम पर अकेले 300 पार करती हुई लगभग बीजेपी अब तक के रुझानों के मुताबिक 350 एनडीए का आंकड़ा है, 84 यूपीए का और अन्य के खाते में 108 सीटें, लेकिन 350 सीटों पर एनडीए लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब बड़ी बातें हम आपको बताते हैं, क्योंकि सुबह से ही ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। आज नतीजों का दिन है और बीजेपी के लिए देखें तो बहुत बड़ा दिन, क्योंकि ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। बड़ी बातें क्या रही अब तक आपको बताते हैं, अब तक के क्या रुझान है वो हमने आपको बताया, किसको कितनी सीट मिल रही है। 2019 में 2014 से भी बड़ी हो रही है मोदी की जीत। राहुल ने मोदी और स्मृति ईरानी दोनों को बधाई दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबका साथ विकास और विश्वास, पीएम मोदी ने ट्वीट करी प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी को बधाई दी है। 2019 में 2014 से भी बड़ी लहर मोदी लहर साबित हुई है। हार की 100% मेरी जिम्मेदारी, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। इस्तीफे की बात राहुल ने नहीं कही, कांग्रेस ने इस खबर को नकार दिया है। थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी का राष्ट्रवाद चुनाव में सुपर हिट रहा, ये फॉर्मूला राष्ट्रवाद का, जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हावी रहा। विपक्ष का हर गठबंधन मोदी के सामने फेल हो गया, कोशिशें बहुत की गई। बीजेपी अकेले 300 के करीब, यह ऐतिहासिक आंकड़ा। कांग्रेस के 9 पूर्व सीएम हार रहे हैं, कई दिग्गज हार रहे हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार जा सकती है। विपक्ष का हर गठबंधन मोदी के सामने फेल हो गया हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, विपक्ष का गठबंधन पूरी तरह से मोदी के आगे फेल। एक बार फिर मोदी सरकार देश में बनती हुई। सुमित, इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। पूरा बीजेपी कार्यालय जो है वो कार्यकर्ताओं से भर गया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आपसे करीब 2.5 घंटे पहले वहां पहुंच चुके हैं, और अब इंतजार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचने पर। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के लिए यह जीत ज्यादा कठिन थी, उनको अपने काम के बल पर हाथ जीत हासिल करनी थी। पिछली बार लोगों ने कहा कि उनके नाम की सुनामी थी, कांग्रेस के खिलाफ का गुस्सा था, भ्रष्टाचार का मामला मनमोहन सिंह की सरकार पर लगा हुआ था। उन तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए बीजेपी के लिए माहौल बड़ा आसान रहा, लेकिन इस बार 2019 में चीजें बिल्कुल उल्टी थी। आपको अपने काम के बल पर वोट मांगना था, आपको इस देश में उन तमाम जातीय समीकरणों को झुटलाना था, क्योंकि उनकी वजह से आप 2014 में हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पीक कर चुकी थी। बीजेपी ने उस परफॉर्मेंस को उन राज्यों में, मध्य प्रदेश जैसे, गुजरात जैसे, राजस्थान जैसे, दिल्ली जैसे, हरियाणा जैसे राज्यों में रिपीट किया, और अब तो बीजेपी की दखल पश्चिम पूर्व भारत में भी हो चुकी है। बीजेपी की दखल दक्षिण भारत में दिखाई दे रही है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी की सबसे बड़ी खबर, अमेठी से राहुल गांधी 44,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी, आलम यह है बीजेपी की हवा का, नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी का आलम यह हो गया है कि स्मृति ईरानी 44,000 वोटों से आगे चल रही हैं। राहुल गांधी अपने पैतृक सीट पर, अपनी पुश्तैनी सीट पर चुनाव हारते नजर आ रहे हैं, और वो बाकायदा स्मृति ईरानी को इस बात के लिए बधाई भी दे चुके हैं। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे साथ अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में राजीव रंजन जी भी हैं जेडीयू की तरफ से। लेकिन श्रीकांत जी, बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत के लिए, श्रेय किसको जाता है और क्यों? इसका श्रेय देश की जनता को जाता है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे करिश्माई नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो बूथ लेवल पर हमारे जो अध्यक्ष सिपाही खड़े करते हैं, जिसकी नींव उत्तर प्रदेश में वो
लोकसभा चुनाव में 14 के में रख कर गए थे, वह नींव पर जो हमारे सिपाही खड़े करके गए थे, जो नर्सरी लगा कर गए थे, आज वो वट वृक्ष बन गए हैं और उसका लाभ हमारी पूरी पार्टी को मिला है। और जो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी सुमित जी, जिनको जी। आजादी के 10 साल के बाद हमारे देश के नागरिकों को मिल जाना चाहिए था, ये हमने सुविधाएं नहीं दी। मैं बुनियादी आवश्यकताओं की बात कर रहा हूं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब की झोपड़ी को बिजली का कनेक्शन दिया, गैस का चूल्हा दिया, इलाज के लिए आयुष्मान भारत दिया, पक्की छत दी, बहन बेटियों के लिए शौचालय दिया, किसान सम्मान निधि दी, नीमकोटेड यूरिया दिया, जोड़ा समर्थन मूल्य दिया। इसके लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जाता था और अपना कहीं ना कहीं सत्ता हासिल की जाती थी। जी जी सुमित, चाह रहा हूँ 14 की बड़ी जीत, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 17 में बड़ी जीत विधानसभा में, और अब 19 में और भी बड़ी जीत लोकसभा चुनावों में। क्या ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व ने देश से जात पात की और वंश की राजनीति को खत्म कर दिया है? यादव परिवार हार रहा है, राहुल गांधी पर चोट लगी है। नहीं, निश्चित रूप से सुमित जी, ये इस चुनाव में जो ऐतिहासिक जो हमारी जीत हुई है उसमें तुष्टिकरण की राजनीति समाप्त हुई है, जातिवाद की राजनीति समाप्त हुई है, वंशवाद की राजनीति समाप्त हुई है, और बड़ी बात इस चुनाव में ये रही कि ये परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स का चुनाव अब हो गया। आप परफॉर्म करोगे तो जनता आपको स्वीकार करेगी, केवल भाषण करोगे और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहोगे और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के ऊपर आप कीचड़ उछालोगे तो जनता आपका सुपड़ा साफ करेगी। कांग्रेस का 23 राज्यों में सुपड़ा साफ हुआ है, 17 राज्यों में उनका खाता नहीं खुला है, तो अब परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स का युग है सुमित जी। अब केवल आप भाषण देकर चुनाव नहीं जीत सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। 14 में मोदी जी पर भरोसा और विश्वास व्यक्त किया था और 19 में वो भरोसा और जो विश्वास था जनता का वो मजबूत हुआ, जो अपेक्षाएं मोदी जी से थी उन अपेक्षाओं पर मोदी जी खरे उतरे। बिल्कुल, मैं राजीव त्यागी है उनके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए, लेकिन दर्शकों को बता दूं स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी मुख्यालय की हैं। बहुत तेज दिल्ली में इस वक्त आंधी और बारिश है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बाहर आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचना है, वहां आके वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे जिसका सीधा प्रसारण आप एबीपी न्यूज़ पर देखने वाले हैं। अब किसी भी वक्त पीएम को वहां पहुंचना है, और जैसे कि बात श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं, क्या आप काम करोगे तो जनता आपको वोट करेगी, और ये बात बीजेपी ने करके दिखाई है। राजीव त्यागी, 2009 में मनमोहन सिंह भी इनकम्बेंट थे, उन्होंने वो चुनाव जीता था सत्ता में रहते हुए और कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा था। आप मानेंगे कि बीजेपी काम कर ये चुनाव जीत कर आई है, इसीलिए उनकी सीटें बढ़ी हैं, जैसे कि आप जीते थे एक बार? देखिए सुमित जी, आज ये समय नहीं है कि मैं कोई टीका टिप्पणी करूं। निश्चित रूप से श्रीकांत शर्मा मेरे पुराने मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई, अमित शाह जी को बधाई, और जनता का जो फैसला है, जनता का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है, सर झुका करके शिरोधार्य है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम भी मुद्दों पर चुनाव लड़े, मुद्दा लेकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन शायद या समझाने में कामयाब नहीं हुए, या कह सकते हैं कि लोगों ने बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को पसंद किया और उनको वोट किया। हम चाहते हैं कि सरकार और बेहतर काम करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र में। राजीव भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ पूरी हम्बलनेस के साथ कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व वो भरोसा नहीं जिता पाया वोटरों के मन में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व ने जगाया था? नहीं, देखिए इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के हम हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लोगों ने समझा नहीं। हालांकि हम किसान को और नौजवान को अपने केंद्र बिंदु में रख करके चुनाव प्रचार कर रहे थे, यह सत्य है कि किसान निश्चित रूप से उसके लिए ग्रामीण जो डिस्ट्रेस है, रूरल डिस्ट्रेस है, उसको बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आज मेरा भुक्तोजित हो गया स्वर्ग भी, लेके दिखा दूंगा मैं कल अपवर्ग भी, चिंता नहीं बाहर उजाला या अंधेरा हो, चलना मुझे चलना बस देर तक चलना है। बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलना चलना चलना, और अब तो आपको कुछ ज्यादा ही चलना पड़ेगा राजीव त्यागी। अमेठी की सीट भी आप हार रहे हैं, वो सीट जो गांधी परिवार का गढ़ है।
देखिए सुमित भाई कि निश्चित रूप से जब हार होती है उसको भी शालीनता से स्वीकार करना चाहिए, जीत हो उसको भी शालीनता से स्वीकार करना चाहिए, और एक आदर भाव हमेशा देश के नागरिकों के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति हमेशा रखना चाहिए। और ये निश्चित है कि 5 साल में कोई जीवन का अंत तो होगा नहीं, फिर चुनाव होएगा, फिर लड़ेंगे, फिर देखेंगे कि कौन किसको सवारी मैदान जंग में। मेरी शुभकामनाएं है अगले बार के लिए भी आपको। थैंक यू, थैंक यू, आप लड़ते रहिए और हम इस तरीके से आपको कवर करते रहेंगे। आप रहिए लेकिन साथ में, आप रहिए साथ में। दर्शकों को बता दूं, आप बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में यानी काशी की जनता को धन्यवाद दिया है। अपनी बड़ी जीत, पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत पर काशी की जनता का शुक्रिया अदा किया है। और आपको बता दें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 28 तारीख को बनारस जाने का कार्यक्रम भी है। वो जाके काशी विश्वनाथ पर रुद्राभिषेक भी करने वाले हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। उसके पहले अभी अभी काशी की जनता का धन्यवाद किया। और आपको याद होगा जब वो पर्चा भरने गए थे तब प्राइम मिनिस्टर बोल के आए थे कि अब मैं बनारस नहीं आऊँगा, आपकी इजाज़त से जा रहा हूँ, पूरे देश में मुझे चुनाव देखना है। और अब जब चुनाव जीत चुकी है पार्टी, वो खुद अपना चुनाव बनारस में जीत चुके हैं, तब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, उनका धन्यवाद करने, उनको उनका पूजा अर्चना करने वहां पहुंचेंगे। तस्वीरें लाइव हैं स्क्रीन पर। किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। जैसा कि बार बार सुबह से हम लोग कह रहे हैं कि आज मोदी के नाम की सुनामी थी, तो सुनामी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मौसम में आंधी जरूर आ गई है। उत्तर भारत में मौसम ने बहुत तेजी से करवट ली है। शाम होते होते आंधी बारिश का मौसम है। बीजेपी का ये कार्यक्रम पहले आउटडोर होना था जो कि बताया गया था, अब इसको अंदर हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है। बाहर बारिश और आंधी को देखते हुए अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बाहर गुलदस्ता लिए इंतजार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त वहां पहुंचेंगे और जब पीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो ये आज की उनकी पहली तस्वीर होगी। आज सुबह से प्राइम मिनिस्टर के कोई तस्वीर, कोई विजुअल अब तक सामने नहीं आए हैं जीत के बाद के, तो जीत के बाद की ये पहली तस्वीर कुछ ही पलों में आपके सामने यहाँ एबीपी न्यूज पर आने वाली है। 350 का आंकड़ा एनडीए छू चुका है। बीजेपी अपने दम पर 300 के आंकड़े के पास जा रही है जो कि कहा था। एक सवाल मैं लेना चाहता हूं तमाम पैनलिस्ट से यहां पे वेरू, क्या सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट आज की तारीख में अमित शाह नहीं साबित हुए? अब की बार 300 पार और 300 पार हो गए, जैसे कि सब पता था उन्हें। बिल्कुल। और मैं सुमित, मेरे को ये भी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो पोल एजेंसी जो प्राइवेटली ये लोग हायर करते हैं उसमें इनका अपना भी योगदान बहुत रहता है, उनकी मेथोडोलॉजी। और इसमें अमित शाह मैंने सुना कि खुद बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं, एक एक तरह से एक सिफोलॉजिस्ट की तरह। और ये पहली बार ये बीजेपी ने मेरे ख्याल 7.5-8 लाख का एक अपना एक सैम्पल करके पोल किया था, अभी नहीं दिसंबर में किया था। और ये मुझे पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में बताया 10 दिन पहले, और अक्टूबर नवंबर में 300 सीट की बात कर रहे थे। पीयूष गोयल ने मुझे बताया कि 300 सीट उनकी अपनी पोल बताती है, प्री पोल सर्वे। ये दिसंबर की बात थी, उसको सस्टेन अभी तो उसका मतलब तो और बेहतर हो सकता था। मेरे साथ राजीव रंजन भी बने हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बिहार से पटना से हमारे साथ हैं। राजीव जी, क्या पुलवामा के बदले क्या जो बदला लिया, बालाकोट में जो हमला किया, वो सबसे बड़ी जीत की वजह बना? मैं आ रहा हूं आपके पास, मायावती कुछ बोल रही है, पहले मायावती को सुन लेते हैं। राजीव जी मैं आता हूं। कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से खासकर उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 व पश्चिमी बंगाल की 42 सीटों का काफिला इस वक्त पहुंच चुका है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी मुख्यालय पर। बीजेपी का नेशनल हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का। ये देखिए आप, पहली तस्वीर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वेव करते हुए, नीले रंग की जैकेट पहनी हुई है, नीले रंग की जैकेट पहनी हुई है, जो कयास कुछ लोग लगा रहे थे कि शायद वो भी भगवा पहन के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सैफ्रन कलर नहीं है। बताएं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज की पहली तस्वीरों में करने के लिए खड़े हुए हैं। अमित शाह ने स्वागत किया गुलदस्ता देकर, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। तो सिस्टम है, स्पीकर है, उसे जरा हट के रखेंगे। मोदी 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 मोदी
आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस साइड में रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों हाथ से अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्ट्री का साइन वी दिखाते हुए अपने हाथों से, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, पुष्प वर्षा की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में पुष्प वर्षा की जा रही है। शानदार जीत के ये दो बड़े चेहरे, ये दो बड़े हीरो जिन्होंने अपने अपने काम के बल पर, अपनी रणनीति के बल पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है, जिसकी उम्मीद बीजेपी के अलावा किसी और ने की नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, ये तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब दोनों हाथ एक साथ हवा में हो, विक्ट्री का निशान हुआ हो। अब हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता से धन्यवाद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगुना है इस टाइम पे। दोनों नेता अभिवादन कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। दोनों ही नेताओं को इस बार के लोकसभा चुनावों में अपनी अपनी सीट पर बहुत बड़ी जीत मिली है। बनारस में प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछली बार से ज्यादा वोटों से आगे निकल चुके हैं और गांधीनगर में अमित शाह का आंकड़ा भी 5.5 लाख के आसपास पहुंच गया था। ये बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें हैं। एक मीटिंग होगी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, उसकी अध्यक्षता करेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और फिर जैसा कि हमारे पास जानकारी है कार्यकर्ताओं को आके संबोधित करेंगे। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से, जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये आज की पहली तस्वीर, इतनी बड़ी जीत के बाद की ये पहली तस्वीर है नरेंद्र मोदी की, जब वो कैमरों के सामने दिखाई दिए, कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिए, दोनों हाथ से अभिवादन स्वीकार करते हुए, दोनों हाथ हवा में लहराते हुए, विक्ट्री का साइन बनाते हुए, पुष्प वर्षा, गुलाब के फूलों की वर्षा आप देख सकते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, तसल्ली, बड़ी जीत का सुकून। बीते 5 साल का काम और बीते 3 महीने की चुनावी मेहनत, जिसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा ट्रेवल हुई, सैकड़ों रैलियों को संबोधित किया, लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले, उसके बाद यह जीत मुमकिन हुई है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक नया नारा दिया आज अपने अपने नारे में, सबका विश्वास भी जोड़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ट्वीट में। एक बार जरा यहीं से तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। मोदी मोदी मोदी। बीजेपी मुख्यालय में मंच सजा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा के रूप में काम करने वाले, ऐसे हम सबके प्रधानमंत्री जी आपके समक्ष में आने वाले हैं। ये तस्वीरें सबसे कीमती तस्वीरें हैं, कल सुबह के अखबारों की ये हेडलाइन तस्वीरें हैं, ये मुख प्रश्न की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दोनों हाथ से हाथ उछालते हुए, हाथ हवा में लहराते हुए, राजनाथ सिंह की पहली तस्वीर है। राजनाथ सिंह भी लखनऊ का चुनाव बहुत बड़ी जीत के साथ जीते हैं, बहुत बड़े अंतर से।
शिवराज सिंह चौहान, थावरचंद गहलोत, जेपी नड्डा, बीजेपी के वो तमाम दिग्गज जिसको कोर टीम कहा जाता है, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी है। बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता बीजेपी के मुख्यालय की छत पर है इस टाइम, और कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर। ये देखिए भीड़, सिंह चौहान जी, आप सब हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ बीजेपी मुख्यालय। तालियों के द्वारा आप सबका यहीं से अभिनंदन करें, तेज तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा आप सभी से निवेदन है कि अभिनंदन करें। सावतन का लोट, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है लगातार, बूंदाबांदी चल रही है। आप सबका अभिनंदन बाहर व्यक्त कर रहे हैं, छाते खुले हुए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बारिश पानी गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा नहीं पड़ा है। इनफैक्ट इस बारिश ने, इस मौसम ने उसको और जोशीला बना दिया है। ये सबसे बड़ी और सबसे चर्चित तस्वीर आज की, बिल्कुल क्लोज फ्रेम में, बिल्कुल नजदीक से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी को 300 के आंकड़े पर ले जाने वाले दो हीरो एक साथ, जो कहा वो करके दिखाया। अब की बार 300 पार का नारा दिया था और 300 पे आंकड़े पर बीजेपी पहुंच रही है। बहुत सी सीटों पर गिनती चल रही है, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा 300 से 305 के बीच जाता दिखाई दे रहा है। संसदीय बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन सबको स्टेज पे इनवाइट किया जा रहा है, बारी बारी सबके बीच में स्वागत करें तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। माननीय नड्डा जी, आप सबके बीच में है, संसदीय बोर्ड के सचिव, स्वागत करें, अभिनंदन करें। शिवराज सिंह चौहान का स्वागत हो रहा है, वह अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोकप्रिय नेताओं में एक हैं बीजेपी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी 5 महीने पहले तक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत गई है जो विधानसभा चुनाव हारी थी। पीएम किसी भी पल अब मंच पर आने वाले हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जैसे ही मंच पर पहुँचते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले देखेंगे।